द कश्मीर फाइल्स की कमाई लगातार बढ़ रही है। रिलीज के पांचवें दिन इस फिल्म ने कमाई का नया रिकॉर्ड बना दिया। 5 दिन में 60 करोड़ कमाने वाली ये पहली फिल्म है। इस फिल्म ने प्री कोविड रिलीज फिल्म सूर्यवंशी, गंगूबाई काठियावाड़ी और 83 को भी पीछे छोड़ दिया है। कश्मीर के मसले का एक ही हल, अल जहान। भारत में एक फिल्म को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया हाल फिलहाल में शायद ही देखने को मिली हो, जिसमें एक फिल्म दर्शकों के दिल और दिमाग दोनों पर इस तरह छाई हो। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया। फिल्म को मिल रही इसी चौतरफा कामयाबी ने इसके कारोबार से जुड़े लोगों को भी हैरान कर दिया है और जानकार इसके रिकॉर्ड बनाने का दावा कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को द कश्मीर फाइल्स 600 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई, लेकिन सिर्फ 4 दिनों में दर्शकों की मांग पर इसे 2700 स्क्रीन्स पर रिलीज करना पड़ा। इसी आधार पर फिल्म ट्रेडर्स को लगता है कि आने वाले दिनों में ये फिल्म 300 से 350 करोड़ रुपए आसानी से कमा लेगी। शुक्रवार को फिल्म ने 3,25,00,000 रुपए कमाए। शनिवार को ये आंकड़ा 8 करोड़ के पार पहुंच गया। रविवार और सोमवार को 15-15 करोड़ रुपए, वही मंगलवार को 18 करोड़ रुपए कमाकर इसने सबको चौंका दिया। ये फिल्म सिर्फ 5 दिनों में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। कश्मीर has never been an integral part of India. साल 1975 में रिलीज हुई जय संतोषी माँ के बाद ये पहली ऐसी फिल्म है जो छोटे बजट से छोटे स्तर पर रिलीज की गई, फिर भी इसने कमाई के मामले में सबको हैरान कर दिया। जय संतोषी माँ फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इसने सिनेमा घरों को मंदिर बना दिया था। जूते चप्पल उतार कर लोग फिल्म देखने जाते थे। इस फिल्म के मुख्य रोल यानी संतोषी माता का रोल एक्ट्रेस अनीता गुहा ने किया था, जिन्हें ये किरदार निभाने के बाद लोग उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया करते थे। ऐसा ही कुछ द कश्मीर फाइल्स के लिए देखा जा रहा है। लोग नारेबाजी करते हुए थिएटर से निकल रहे हैं और इसकी वजह से पहले रिलीज हुई फिल्मों की कमाई प्रभावित हो रही है, लेकिन इससे जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। पब्लिक और क्रिटिक्स के अच्छे रिस्पॉन्स के बावजूद IMDb ने इस फिल्म की रेटिंग घटा दी है, जबकि दर्शकों की वोटिंग के आधार पर फिल्म को 10 में से 9.9 रेटिंग मिली थी, जिसे बाद में घटाकर 8.3 कर दिया गया, जिस पर फिल्म के डायरेक्टर ने एतराज जताया है। हालांकि उनका कहना है कि ये फिल्म लोगों के दिलों पर छा चुकी है। कश्मीर फाइल्स बहुत अच्छा कर रही है। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको दिक्कत हो रही होगी फिल्म की सक्सेस देखकर, क्योंकि स्क्रीनिंग्स बहुत कम मिली, लोग एक्साइटेड नहीं थे, तरह तरह की बात कर रहे थे? देखिए, किसी ने सोचा नहीं था, सबने सोचा था, बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कश्मीरी लोग ये क्या है, राइट? तो लोगों ने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इस फिल्म ने सब किले ढा दिए हैं आज, और पूरा भारत एकजुट होकर आज इस फिल्म को देख रहा है, अपने इतिहास को समझ रहा है और अपने भविष्य को ठीक। गुजरात में द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग के लिए गुजराती फिल्म मेकर चंद्रेश भट्ट ने अपनी गुजराती फिल्म प्रेम करण को सिनेमा घरों से हटवा दिया। इस फिल्म की जगह अब द कश्मीर फाइल्स की स्क्रीनिंग की जा रही है। द कश्मीर फाइल्स की कामयाबी के लिए कई सितारों ने डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर को बधाई दी है। रितेश देशमुख ने ट्वीट करते हुए कहा कि रोज नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए पूरी टीम को बधाई। वहीं के मेनन ने भी फिल्म देखने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैंने अभी अभी द कश्मीर फाइल्स देखी। ये घटनाएं दिल दहला देने वाली, मार्मिक और असुविधाजनक है। एक नरसंहार जिसे अब तक छिपा कर रखा गया। निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को शुभकामनाएं। मासूम लड़कों को गाड़ी से बांध बांध कर घसीटा जाएगा और उन पर रेप चार्ज। द कश्मीर फाइल्स भले ही एक फिल्म हो, लेकिन इसने 32 साल पहले कश्मीर में हुई नाइंसाफी पर एक नई बहस छेड़ दी है। इस मांग को तेज कर दिया है कि कश्मीरी पंडितों की घाटी में दोबारा वापसी के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो वहाँ पर शांति और सुकून के साथ रह सके, क्योंकि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीर अधूरा है। आज तक ब्यूरो।